विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच चल रहे विवाद में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है, जहां विराट कोहली एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोई भी विवाद नहीं है, वहीं रोहित शर्मा कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे साफ साबित हो रहा है कि इन दोनों के बीच काफ़ी गहरी दरार आ चुकी है। दरअसल वेस्टइंडीज दौरे जाने से पहले ही विराट कोहली और रवि शास्त्री ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि टीम में ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं और सभी खिलाड़ी टीम के लिए खेलते हैं और रोहित और उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं है। सेम लाइन रवि शास्त्री की भी थी, लेकिन अब रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे फिर साबित होता दिख रहा है कि इन दोनों के बीच गहरी दरार आ गई है। रोहित शर्मा ने फिर से एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। रोहित शर्मा ने साफ लिखा कि वो टीम के लिए नहीं, वो देश के लिए खेलते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली और रवि शास्त्री ने टीम शब्द का प्रयोग बार बार किया था और कहा था कि टीम के लिए सभी पहले खेलते हैं, लेकिन अब रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो टीम के लिए नहीं, वो देश के लिए खेलते हैं। आपको इस मामले में कौन सही लगता है और कौन गलत, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।